हसनपुर से नारनौल के पास से अफ्रीकन मोगनी। बहुत बड़ा आपका स्टॉक है और ऐसी नर्सरी शायद हमने पहली बार चूज करी है, हमने सोचा भी नहीं था। और हम अपने YouTube के जरिए आपके पास पहुंचे हैं, हमारे सामने दो तीन गाड़ियां लोड हुई हैं। ये लाखों की तादाद में है जी, हर किसी हाइट पूरी है, पाँच से छह फीट की हाइट है ये दी है जो हमने मांगी है अफ्रीकन वाली। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा। और आज हमारे पास काफ़ी दूर से जो प्रगतिशील किसान आए हैं, उनसे रूबरू कराए हैं, क्या लेके जा रहे हैं, कैसी खेती कर रहे, कैसी नर्सरी लगी, क्या क्या वैरायटी हमारे पास है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारी नर्सरी पर स्वागत है। नमस्कार जी, आप ये बताइए कहाँ से आए हो? हसनपुर से, नारनौल के पास से। नारनौल के पास से। और आज किस चीज़ के पौधे आप लेके जा रहे हैं? मोगनी के। मोगनी? हाँ जी। मोगनी कौन सी मोगनी ले रहे हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी मोगनियों के बारे में काफ़ी चर्चाएं रहती है, कौन सी वैरायटियाँ हैं ये जी? रेड कलर की जो सुना था, रेड कलर की मोगनी अच्छी होती है, अफ्रीकन मोगनी। अफ्रीकन मोगनी, अफ्रीकन मोगनी। इसकी हाइट भी अच्छी जाती है और इसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है और इसका सिस्टम भी ठीक है, आंधी तूफान में गिरती नहीं है जी, टूटती नहीं है, थोड़ी झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है जी। जी, तो ऐसा ही हमने देखा था और अभी लगा कर के भी देख रहे हैं जी भाई, कैसा क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, कैसा क्या होगा जी, और आगे फिर आप और कुछ बताएंगे जैसा होगा। तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले तो देखा स्टॉक हमारा? हाँ, स्टॉक बहुत बड़ा है। स्टॉक कितना है ये भी दिखा दूंगा। हाँ, स्टॉक बहुत बड़ा आपका स्टॉक है और ऐसी नर्सरी शायद हमने पहली बार चूज करी है भाई, मतलब कि इतने सारे पेड़, हर वैरायटी के पेड़, और बहुत मतलब कि हमने सोचा भी नहीं था। और हम अपने YouTube के जरिए आपके पास पहुंचे हैं, सुबह चले थे 8:30 बजे के आसपास और यहाँ आने में 2 बज गए थे हमको जी। बाकी बहुत बढ़िया आया आपका हर विचार, स्वभाव भी आपका अच्छा लगा जी, और यहाँ कस्टमर भी बहुत आते हैं जी, और हर किस्म के पेड़ हैं, वैरायटी भी आपकी बहुत अच्छी है। मान लो ये भी है, आपको आके इंतज़ार भी करना पड़ा क्योंकि आपके सामने हमारे कम से कम 10 फार्मर जो आए हुए थे पहले। बिल्कुल, वो तो देखो थोड़ा तो समय तो लगेगा, हमारे सामने 2-3 गाड़ियां लोड हुई हैं तो थोड़ा बहुत तो इंतजार तो करना पड़ेगा जी। जी, बाकी आपके पास बंदे काम करने वाले हैं वो भी बहुत हैं, संतुष्ट होके जाते हैं और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा रिसर्च करके संतुष्टि करते हैं कस्टमर की जी। अशोक जी पूरा उसको सेटिस्फाइड करते ना उसको। तो एक बात और बताएं आप, कि आपने मुझे पहले बताया कि आपका कहीं और से लाने का मन था। हाँ जी, पहले हमारा सहारनपुर यूपी में हमारी बात हुई थी, हमारा 3-4 दिन तक बात भी हुई थी जी। उन्होंने पेड़ के बारे में बताया कि जी आ जाना, आपको इतना बड़ा इतना अच्छा पेड़ देंगे जी। लेकिन हमने अशोक भाई का जैसे यूट्यूब पे देखा जी तो हमें बहुत पसंद आया और हमने देखा, फिर हम लेना तो था ट्रांसपोर्ट के लिए ना, लॉन्ग ज्यादा पड़ रहा था और उसमें थोड़ी बातों में हमारे को संतुष्टि कम हुई, कम ट्रांसपोर्ट हमारा हरियाणा के हरियाणा में काम हो गया हरियाणा का हरियाणा में काम हो गया। आप पौधे, आपको ये भी नहीं था कि आपको बुकिंग करवानी है और करवानी है, स्टॉक बफर है स्टॉक में। फिर जो आपने फार्मर देख रहे हैं उनको बता दो कि स्टॉक ये तो हमारा थोड़ा स्टॉक है, ये लाखों की तादाद में है जी, हर किस्म के पेड़। ये तो हमारा यहाँ पे है, अगर दूसरा फार्म आप विजिट करोगे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ पर भी मोगनी का बफर स्टॉक है, मतलब बफर मोगनी नहीं सभी वैरायटी, सभी वैरायटी की है जी, सभी पेड़ों की अच्छी ग्रोथ और फलदार पेड़ भी अच्छे है ना जी, पावर पे दिख रहे हैं और पौधा हरा भरा, बिल्कुल हरा भरा है जी। हाइट में, हाइट भी मतलब ये नहीं है कि हाइट भी पूरी है जी, मतलब ये हाइट हाइट पूरी है, ये 5 से 6 फीट की हाइट है, ये हाइट भी पूरी है और बढ़िया सुंदर पेड़ है, मतलब पौधा भी, मतलब हाइट ये नहीं है कि कम हाइट में पौधा है, अशोक जी ने वो बढ़िया बहुत अच्छी और वो ही ब्रीड दी है जो हमने मांगी है अफ्रीकन वाली जी, क्योंकि ग्राउंड पे जो आके देख लेता है ना के हिसाब से आपके बिल्कुल उस पर भेजा जाएगा भाई। आपने आके देखा कि हमारे ग्राउंड में एक क्या होता है, वीडियो में कुछ और होता है दिखाने में कुछ और हकीकत जब ग्राउंड पे आके देखे कुछ और मिलता है। बुकिंग कराने के बाद मतलब अवेलेबिलिटी कराई दूसरी नर्सरी से मंगा के जी, ना जी। वो बिजनेस वाला काम नहीं, आप तो खुद तैयार करते हैं, करते हैं। मेन बात ये है ना, इनके पास में ना खुद का उपचार, जो भी रोग है इनके नॉलेज काफी है, सर्च इनका ना बिजनेस लेवल पे नहीं कर रखा है, ये तो ग्रीनरी के उस पे बेस पे और एक लोगों को ना जागरूक करने के हिसाब से कर रखा है। तो मतलब जो फार्मर दूर से चल के आए, जैसे आपने भी सोचा होगा माइंड में एक तस्वीर चली जाती है कि हम पौधे लेके आएंगे तो इतनी नर्सरी मिलेगी, तो उससे हम प्लस मिले या माइनस मिले ये और बता दे, क्योंकि आपने सोचा होगा काफी प्लस भाई, आप इतना सा पौधा मिलेगा, इतने इस पौधों में से हमें छटाई करनी है, इतनी सी नर्सरी मिलेगी, उससे ना जी काफी प्लस में है। देखो
भाई आपको नर्सरी भी काफी बड़ी, एक डेढ़ एकड़ तो हमारा ये भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ है, बिल्कुल खचाखच। और हमारा दूसरा फार्म है वो भी बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से भरा हुआ है। पौधे की हेल्थ अच्छी है, क्वालिटी जेन्युइन है, ये हमारा सबसे मेन जो फोकस रहता है इन बातों पर रहता है, पौधा स्वस्थ मिले और पौधा एकदम जो वैरायटी उन्होंने बताई है वो वैरायटी मिले। नहीं जी बिल्कुल, हम तो ये भी कहेंगे भाई गवर्नमेंट से भी आग्रह करेंगे, गवर्नमेंट अगर ये इसको यूट्यूब के माध्यम से अगर जो देखते हैं तो आपका है ना कुछ साथ भी देना चाहिए और कुछ सहयोग भी करना चाहिए ताकि ऐसे, क्योंकि हमारा जितना भारत देश एक ऐसा है इसमें जितने हरी हरियाली रहेगी, जितने पेड़ ज़्यादा रहेंगे, उतनी ज़्यादा बरसात रहेगी, उतनी ज़्यादा फसलों में पैदावार ज़्यादा होगी, ठीक है ना, प्रदूषण कम होगा। तो भारत देशवासियों को सभी को हम तो यही कहेंगे अगर जितने पेड़ लगाए जाएं वो ही कम है। आपके सामने देखा होगा, बाकी आपका बहुत बहुत बढ़िया, आपके सामने देखा होगा अभी जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो आए थे हॉर्टिकल्चर के, हाँ हॉर्टिकल्चर के वो स्पेशल आए थे, उनका न्यूट्रिशन था लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से उनसे हम वीडियो भी शूट ना कर पाए, वो लोग बाकी हमारे नर्स भी विजिट करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि कोई गलत चीज़ दे रहे हैं, ना जी ना, स्वस्थ पौधा पर्यावरण की, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी का एक पहल है कि ये कदम पर्यावरण की ओर, लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, चाहे फ्रूट के लगाएं, फलों के लगाएं, छादार लगाएं। तो इस तरीके से जो है फार्मर को कहीं किसी चीज़ का भय या संशय मन में रखने की जरूरत नहीं है, आप गाइडलाइन देते रहेंगे, निश्चिंत तो रहेंगे सुरेश जी जो लगा रहे हैं, नहीं मिलते रहेंगे, आगे और भी लगवाएंगे। हमारे एरिया में तो क्या है, दरअसल सच्चाई की बात क्या है, थोड़ा महंगा सिस्टम है और महंगा के कारण लोग बाग पीछे हट जाते हैं। जी जी, अगर भाई ये भी 2 लाख रुपये कहाँ से लगाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आदमी हर किस्म की हर बात सोचता है जी, है ना, और आदमी को कोई भी काम करता है ना तो उसको एक बार रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल, हम भी यहाँ जब आए हैं इतना पेड़ लेने के लिए, इतना वो खेती में लगाएंगे तो ये भी एक रिस्क ही है। देखो रिस्क तो कितने पेड़ लगेंगे, कितने वो होंगे, तो आपकी मेहनत है और समय पे भी डिपेंड होता है, आप कर पाएंगे, नॉलेज नहीं तो उसको हर आदमी को बताएंगे और हर आदमी को यही कहेंगे कि भाई ज़्यादा नहीं तो एक खेत के अंदर कम से कम 1 एकड़ के ज़मीन के अंदर कम से कम भी 10 से 15 पेड़ लगाओ, आपने घर के खाने के लिए फल फूल के और वो तो कम से कम लगा ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल सभी का ना पानी की व्यवस्था हो चुकी है सभी खेतों में और सभी का डेली आना जाना रहता है खेत में, तो फ्रूट के पौधे हर फार्मर कम से कम 5-10 तो लगाए, और बाकी छायादार पौधा तो मैं ये कहता हूँ हर नागरिक को एक छायादार पौधा चाहिए, अपने घर पर लगाए या सार्वजनिक जगह पर लगाए, कहीं पर भी लगाए, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी है उसको भी सपोर्ट करती है। तो आप जितने फार्मर देख रहे हैं अगर आपको मोहगनी के चाहिए या किसी भी तरीके के फल फूल और औषधीय पौधे, काफ़ी भरपूर मात्रा में जो हमारे पास पौधे हैं उपलब्ध हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, लाइक कर लें, धन्यवाद।